मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? वो आप बढ़िया होंगे। मेरे तो मॉर्निंग अभी हुई है, जस्ट अभी सो के उठा हूँ। अभी जाता हूँ, देखता हूँ, नहाता धोता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कहाँ घूमना है। घूमने का प्लान बनना, अभी तो साथ वाला भी कह रहा है घूमने चलेंगे, उससे पूछता हूँ कि कहाँ चलना है। सोच रहा हूँ घूमने की प्लान बना, चल ही रहा है, मतलब प्लान चल रहा है। अभी वो भी कहेगा अब कहाँ चलना है। नहा धो के आता हूँ मैं, ठीक है? ये सभी हो गया, मैं नहा धो के एकदम मस्त सा, देख लो बाल एकदम गीले से। अभी सोच रहा हूँ कौन से कपड़े पहनूँ, कौन से कपड़े पहनूँ। मैं दिखाता हूँ कौन से पहनने, समझ में नहीं आ रहा मेरे को कौन से कपड़े पहनूँ। तो आप बताओ आप कौन से चूज़ करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी कौन से चूज़ करने मेरे को। तो आप बताओगे, आप ही सजेस्ट दोगे मेरे को गाइस। ये वाले ये पहनूंगा, उसके साथ मैंने तीनों टी शर्ट चेक करता हूँ अभी कौन सी सही लगेगी, चेक करता हूँ, ठीक है? और आप देखोगे मेरे को ब्लॉग में जो भी है, कोई सी इन तीनों टी शर्टों में कोई ना कोई देखोगे मेरे को, ठीक है? कौन सी सही लगेगी बताना मेरे को गाइस। ऐसा लग रहा हूँ मैं, ठीक है? अब थोड़ा सा बाल हाल को भी बनाऊँगा, बाल हाल बनाने के बाद फिर चलेंगे हम, ठीक है? देख लो कैड़ा सा लग रहा है, मैं कैड़ा सा मस्त था, ठीक है? आपको पता ही है कैड़ा सा तो लगता ही हूँ मैं, ठीक है? दिखाता हूँ आपको बढ़िया सा कॉर्नी साइड में, ठीक है? कैड़ा सा लग रहा हूँ ना मैं, कैड़ा सा लग रहा हूँ। ये देखो बॉडी तो है ही तुम्हारे भाई की एकदम मस्त सी, तो पता ही है, ठीक है? दिखाता हूँ मैं तुम्हें बढ़िया से आगे की कॉर्नी साइड की, ठीक है? ठीक है गाइस, लव यू। आगे पीछे से, अच्छा पीछे से करना है, सॉरी शूज़ देखने पड़ेंगे मेरे। शूज़ देखता हूँ कहाँ शूज़ लगा के, शूज़ निकालता हूँ, शूज़ पहन के देंगे आज, ठीक है? मैंने शूज़ पहन चुका हूँ, देख लो सेक्सी ऐसा कैड़ा सा, ठीक है? और आपको दिखाता हूँ बढ़िया सा, तो बताइए ना सेक्सी जाता है। वैसे वॉशरूम में चल चुका हूँ, ठीक है? अभी बाहर सूखेंगे, उसके बाद मैं साथ वाला जो ऊपर है उसके उससे मिलूँगा, वो भी तैयार हो रहा हुआ, देखता हूँ उसका तैयार होता नहीं होता सारा, उसको बताता हूँ मैं, ठीक है? अरे सर, भाई है, भाई का है, मेरा भाई भी सोया पड़ा है, कह रहा था मेरे को चलेंगे। ये देखो आज का ब्लॉग तैयार, आज का ब्लॉग तैयार, लेकिन भाई तो उठ ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तैयार हो गया अब भाई? उठेगा हैं? उठोगे नहीं उठोगे? हेलो ना। क्यों थक गया? थक गया आना, चलना नहीं चलना है? चलना कौन नहीं चलना है ब्रो, चलो चले नहीं हो रहे। मैंने स्मार्ट ही चल रहा है, मैंने बाल हाल भी बना दिया ना, थोड़ा सा तो आज आ गए हम जन्नत के यहाँ साइड में। ये तो मेरे भाई बोला जन्नत है, जन्नत है क्या है बता दो भाई, जन्नत है क्या है? ये इसे हम जन्नत ही कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या कहें, मतलब भाई तो पूछ रहा हूँ मैं क्या कहें, जन्नत क्या कहें, जन्नत ही कहेंगे, समझ नहीं आ रहा। अब कह रहा भाव भी जा रहा भाई, हम पढ़ते देखा देता हूँ, मेरे तो बोला जन्नत है भाई, तो पता नहीं जन्नत है क्या है भाई। मेरा भाई हम आपको लेके चलाएंगे इस साइड, आपको दिखाएंगे वहाँ पे जन्नत क्या होती है, देख रहे हैं भाई, भाई का ब्लॉग भी हम बोलेंगे नहीं, दिखाएंगे आपको, खुद पता चल जाएगा। ये कह रहा अनकस जैसा लग रहा भले, बोला मैं तो तेरे को पता ही, बोला बोला बता पे क्या बताएं, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। सबसे प्यारी जगह कतर में, सबसे प्यारी जगह है, सुनसान जगह, अगर आपको कहीं घूमना है तो यहाँ आइए। ये देखिए लोकल मेट्रो,
यहाँ की लोकल मेट्रो है, ठीक है, लोकल मेट्रो है, ठीक है, और यहाँ पर चलेंगे हम अभी मेट्रो से चलेंगे। मेट्रो से चलेंगे, किससे चले? नहीं अभी हम थोड़ा पैदल पैदल चलेंगे आगे, और भी दिखाएंगे उसके बाद आगे से देखेंगे। चल ठीक है, देखना गाड़ी आ रही है, गाड़ी के निकाल रही है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल भुवन बिस्ट मूवी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं और भूवी भाई घूमना है, हम जो है कतर में जॉब करते हैं, कतर दोहा में। तो जो है यहाँ पे हम आज ड्यूटी से फ्री होने के बाद घूमने के लिए आए हैं दोनों के दोनों। ये अगर आपको कतर में नए नए आए हो और घूमना है फ्री में, तो आप कुछ मत करिए, आप कतर में मुंसिर मेट्रो स्टेशन पर उतर जाइए, वहाँ से आप आ जाइए अंदर वाली रोड पे, अंदर मतलब आउटसाइड रोड पे, वहाँ पे होटल की राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड आपको होटल होटल मिलेंगे यहाँ पे, और बीच में आपको मिलेगा रोड मेट्रो लाइन, जहाँ पे मेट्रो लोकल मेट्रो चलती है यहाँ पे, जो कि जैसे कि इंडिया में गलियाँ होते हैं ना, तो सेम यही यहाँ पर भी ऐसी गलियाँ हैं। इस गली में मेट्रो चलती है एक घर से दूसरे घर तक। तो बस एकदम परफेक्ट जगह, एकदम सुंदर जगह, ब्यूटीफुल जगह। अगर आपको घूमनी है कतर में, यही है, यही आइए। एक एक कोना कोना यहाँ पे एकदम क्लियर साफ, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, कहीं नहीं। मैं तो जब भी यहाँ आता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं तो सपना देख रहा हूँ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सपने में घूम रहा हूँ यहाँ पे। ये है भूवी भाई, हाई कर दो एक बार। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, आगे भी बहुत कुछ अभी देखना। मेट्रो आएगी तो मतलब कि वही है, अवेयरनेस कर देगी एकदम से। आप क्लियरिटी देखिए इस जगह की, कितनी क्लीनिंग, कितनी ज़्यादा क्लीनिंग है यहाँ पे। किसी भी अगर आपको सिटी में शहर में घूमना है, तो वहाँ पे सबसे पहले आप क्लीनिंग ही देखते हैं कि जगह कितनी साफ़ है, बाकी तो और बाद में देखेंगे। जो जगह साफ ही नहीं होगी तो वहाँ पर कोई कैसे घूम सकता है। तो यहाँ पे जगह काफ़ी साफ है। भाई साथ जा रहे हैं हम कतर भ्रमण में। कतर भ्रमण है भाई, मेरे को लग रहा सिग्नल दे दिया इसने, थोड़ा जल्दी चल ले अब। हैं बता दो दे, कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ जा रहे हैं भ्रमण करने कतर में। इंडिया में तो हर जगह हमने किया ही है, लेकिन मैं थोड़ा सोचा कि विदेश में भी भ्रमण करें। देखो भैंस यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे। थोड़ा गाड़ियों पर ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ी किस शहर से आते, कुछ पता नहीं चलता। इंडिया में तो तब भी रोक लेते गाड़ी, यहाँ पर रोकते नहीं है, यहाँ पे सीधे ले जाते साथ में। देखो पीछे से मेट्रो वेटर तो नहीं आ रही है। ओह आप आ रहे हैं, हम देखते हैं मैं बोल रही है, नहीं नहीं देखते हैं यहाँ पर सिस्टम क्या क्या चल रहा है, यहाँ पर इधर का सिस्टम विस्टम भी देखना पड़ता ना। तो गाइस आज हम आए हैं राशन ढूंढने, देखते हैं राशन कहाँ पर मिलती है। बहुत सारे लड़के हैं फिलीपींस की, भूटान की, नेपाल की, रशियन। हम जा रहे हैं तुम्हारे इस साइड में, और इस साइड में हमने कौनडी साइड में जाने सोच रही थी, लेकिन बट इससे पहले यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पड़ते हैं, ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें। देखो पीछे साइड में देखो, देख रहे होगे आप, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, देखेंगे तुम्हें एकदम मस्त से, और घूमने में मज़ा बहुत मस्त है, एक नंबर क्लीन सिटी एकदम। आप भी आओ जरा घूमो फिरो, यहाँ पे वीडियो बनाने का वाला आ रहा है। अच्छा थम वाला, इसकी वीडियो बनाता हूँ पहले, उसके बाद दिखाता हूँ मस्त से पीछे बैकग्राउंड। बता भाई क्या क्या देखा तूने आज कल यहाँ पर? यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ें देखने के लिए ये है, जो पुरानी चीज़ें होती है ना, पुरानी बहुत पुरानी, मतलब महाराजाओं के टाइम की, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएंगी, जो समुद्र से निकाल के मिलती हैं, या फिर जो अंग्रेज अपने पास रखते थे, अपने जो कवच वगैरह पहनते थे, वो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको जो समुद्र के किनारे ये महाराजा लोगों का जो कुछ होता है, वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। पुराने बर्तन मिलते हैं यहाँ पे, पुराने कपड़े मिलते हैं, बैग, पुराने जितने भी आभूषण वगैरह होते हैं वो सब मिलता है यहाँ पे। सारा का सारा पुराना पुराना जितना भी सारा का सिस्टम यहाँ पर देखो, पुराने पुराने थे हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, भाई सभी बैठे हैं मारेगा। ये देखो पुराने सी दुकान है यहाँ पर, पुराने पुराने से मतलब पुराने मतलब अच्छा खासा, यहाँ पर अच्छा खासा देखने लायक चीज़ है यार, मैं ऐसी बढ़िया चीज़ एकदम आपको पुराने टाइप के मतलब कई सारे मतलब नहीं है, मतलब अपडेटेड कर रखा नहीं मॉडल थोड़ा सा। अभी जाएंगे हम उस वाले रेस्टोरेंट में। यहाँ यहाँ की है खूबसूरती, बताओ भाई खूबसूरती, खूबसूरती आप खुद ही देख लो।
ये देखो यहाँ पर एक मीनार चाय है, मतलब कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन की तरफ वो देखते हैं मेट्रो से निकलेंगे यार, सोच रहा हूँ ठीक है। ये तो मैं दिखा रहा हूँ आगरा जा रहा हूँ, बाहर का आ जाए पहले देखते कौन सी साइड में देखेंगे उसके बाद चलेंगे, देखते हैं क्या सीन। हाँ भ्रमण हो गया हमारा बहुत तगड़ा वाला, बीच पे तो आ गए हम, बीच पे आ गए हम, उधर को कौन सी साइड में दिखाता हूँ, कौन सी साइड का ये देखना सामने दिखाता हूँ बैक साइड से सक्सेस अभी हूँ। यहाँ पर बोट्स हैं, जॉब करता हूँ रशन आ रही है एकदम, रशन का दिखाएंगे तुम्हें रशन को देख के दिल बाग बाग हो गया भाई। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर तो मस्त सिस्टम सही है, मतलब कि शराब वराब पीने का ये सिस्टम यहाँ लग चल रहा है भाई, सिस्टम यहाँ बहुत तगड़ा चलता है भाई, हम छेड़ नहीं सकते कुछ नहीं करते। हैंग हैंग कर देता सिस्टम यहाँ पे, हैंग 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 हैंग। बड़े बड़े सी शिप्स हैं, छोटी मतलब कि बड़ी बड़ी सी शिप्स हैं, यहाँ पे भी हम शिप्स से होके आ चुके हैं, बट मज़ा नहीं आया उतना, खास नहीं आया इस टाइम पर। कैसा मज़ा कैसा लगा तुम्हें, किरकिरा जैसा लगा ना, बेकार सा लगा एकदम। मैं सोच रहा हूँ व्हाइट वाली में, बोला था इसे व्हाइट वाली में से चल लेंगे, लेकिन ये मना कर रहा है व्हाइट वाली में से जाएंगे, हैं बड़ा वाला क्रूज से चलेंगे, बड़ा वाला क्रूज, क्रूज है ना क्रूज, देख तो छोटे छोटे से क्रूज है, मैंने किसने बोला कि नहीं वो वाले से चल रहे हैं, अरे मैंने लेकिन उस वाले में मज़ा नहीं आया हमको इस वाले से। मतलब कि यहाँ पर जो मॉल फेमस मॉल है वो VFX है, तो वहाँ पर जाएंगे डेवलप कर रखा है, जब बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं मॉल, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं कई सारे चीज़ें हैं, मतलब देखने लायक है, हमें बढ़िया सा मॉल है, मेरे को तो अच्छा लगा क्योंकि मैं दूसरी तीसरी बार आ चुका हूँ इस मॉल पर, इधर तीसरी बार मैंने खाना खा चुका हूँ, मतलब अच्छा खाना है, मतलब अरेबिक फूड अच्छा है इसमें, तो वहाँ पर आप भी आओ और आप भी खाओ और मेरे से भी मिलो। हाँ घूमने के लिए सबसे बढ़िया जगह, अगर आपको कतर में कहीं घूमना है, कहीं भी घूमना है, तो इस जगह में पहला आइए, सबसे बेस्ट जगह है, सबसे बढ़िया जगह है, सबसे अच्छा खाना यहीं मिलता है। अभी रिसेंटली हम यहाँ पे आए थे, यहाँ का खाना खाया हमने, इतना बढ़िया खाना था, इतना बढ़िया खाना था, क्या बताएं। आप भी आइए, अपनी फैमिली को लाइए, दोस्तों के साथ आइए, अमेजिंग। बता भाई कैसे भ्रमण करा, क्या बता ये पीछे का बैक साइड का दिखाता हूँ, बढ़िया सक्सेस है।